देन वर्क विद एवरीवन, वर्क एवरीडे। और वर्क विद एवरीवन का मतलब किसी के साथ जो आपके सामने है उसको प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, दिखा दो। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है, 10 लोगों को दिखाओगे 3 ज्वाइन करेगा, 20 को दिखाओगे 6, 30 को दिखाओगे 9, 40 को दिखाओगे 12। ये लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। प्लीज जब भी जाओगे, बेसिस का बात कर रहा हूं आज, वर्क विद एवरीबडी। कोई भी काम पे आ सकते है कभी भी। पुराना वाला टीवी देखा था, एंटेना वाला टीवी देखे थे, ब्लैक एंड व्हाइट एंटेना वाला, हाँ देखा है एंटेना वाला पुराना वाला टीवी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? एक भी कुछ पंछी आके वहां पे बैठा, टीवी वो कंट्रोल करता था कि हमारा टीवी में क्या देखना है। और उसमें अगर आदमी, उसमें अगर 3 बेटा होता है ना, तो काम क्या होता है 3 बेटा का? बगल में बीच वाला बेटा कोई काम का नहीं है, लेकिन जैसे वो पंछी बैठता था और टीवी वो हो जाता ना, तो 3 आदमी का 3 काम था। एक चला जाता एंटीना के सामने, एक खड़ा हो जाता था बीच में, और एक टीवी के सामने। बीच वाला जिंदगी में कोई काम पे नहीं आया, लेकिन देखिए यहां पे कितना काम पे आएगा। वो ऊपर से बोलेगा हुआ, ये बोलेगा हुआ, वो बोलेगा नहीं हुआ, ये बोलेगा नहीं हुआ, ये बोलेगा नहीं हुआ, ये फिर बोलेगा हुआ, ये बोलेगा हुआ, ये बोलेगा नहीं हुआ। साला ये आदमी जो कभी नालायक था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन गया आज का डेट में, है कि नहीं? वैसे आपका बिजनेस में जिसको आप नालायक सोचोगे ना, हो सकता है वही आपके नीचे डायमंड बन के निकल जाए। इसीलिए प्लीज फोकस ऑन एवरीबॉडी, पीपल शुड वर्क विद एवरीवन एंड वर्क एवरी डे। करो पार्ट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम फुल टाइम मेंटेलिटी से करना पड़ेगा। इसलिए इसमें बिजनेस बोलते बी योर ओन बॉस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हम अपना बॉस है। सोमवार को नहीं निकलेंगे, आज के बिस्ती से जाओ ना, कल के रोज बेसि जाओ ना, परशु दिन हमार ईयर बी जाओ ना, मामा छेले मेरे से जाओ ना, এই সপ্তাহ যাবোই না। वर्क एवरी डे, अगर 2 घंटे भी देते हो ना, 2 घंटा एवरी डे देना पड़ेगा। अगर 2 प्लान शो करना आपका काम है और 1 हुआ है, रात को बीबी को उठाओ, उसको प्लान दिखाओ, लेकिन दिखाओ दो, दिखाओ दो। वो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो? बोलो प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब नया नया प्लान आया, पुराना वाला प्लान बदल दी, जब पुराना वाला प्लान आया, मेरा काम क्या था पता है? ऑफिस में मुझे तो पता था मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज़ आई वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट। क्योंकि हमें किसी ने पूछ लिया कि प्लान क्या है, हम अगर नहीं बता पाए अमित को, तो अमित जो हमने सर प्लान का तो देखा ना, प्लान दाड़ा देखा चीट दाड़ा बोसो, पर हमें निजी प्लान जानी ना, तो हमें तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट बने तो मैं आप लोगों को एक्सपर्ट बना सकता हूं। तो जैसे जैसे प्लान लॉन्च हो गया, मैं ऑफिस में घूमता था और देखता था कि अकेला कौन घूम रहा है। अकेला क्यों? क्योंकि 10 आदमी को एक साथ गलत बोल दिया, 10 ही तो चला जाएगा ना, एक जाने से फिर भी ठीक है। उसको बोला आप कहां से आए? मेदिनीपुर से। संगे कत जन आछे? क्यों नहीं सर, भेतरे आसो बसो। सुनो प्लानटा हच्छे एरकम, एटा बनाते हबे, ठीक आछे? बुझते पेरेछो? हाँ सर। बताए महाजन क्या बोलता था? कितना अच्छा सर है, हमको अकेला देखे पूरा प्लान समझाया। हम उसको क्या सब घंटा तेरे को समझा, हम खुद ही सीख रहे हैं, तेरे को कौन समझा रहा है? एक बार मैं घर गया, मैंने देखा यही मौका है, मेरा मामा बैठा हुआ था, मैंने बोला मामा जी बैठिए, देखो ये है, ये जो यहाँ पे चल, नहीं मुझे मत दिखाओ, ये चेन वाला स्ट्रक्चर है, मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला मामा बैठो ना, ये तो 4 लेग बनाना पड़ेगा आपको, 4 लेग फिर 4 लेग बनाना पड़ेगा। खड़े हो गए, मैं नहीं करूंगा, मुझे मत दिखाओ, डोंट शो मी, मैं नहीं करूंगा, ये चेन बिजनेस है, मुझे पता है, रुको 4 लेग करोगे। वो खड़े हो गए, मैं जा रहा हूं। मैं बोला बैठिए बैठिए, आपको करना नहीं है, मुझे भी पता है आप कभी नहीं करोगे, मुझे तो प्रैक्टिस करनी दो कम से कम। डू दिस, एक कान में पॉइंट लगे, अगले दिन जाके प्रैक्टिस करो, लोगों को सामने बोलो, कितने लोग आपको मना करेंगे? पहला 1, 2, 3, 4, उसके बाद बाकी 6 आपको हाँ ही करेगा। लेकिन बिना प्रैक्टिस करके जाओगे, 1, 6, 7, 70, 80 सभी करते जाओ। सर हमारा डिटॉक्स बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्या है उसमें छोड़िए ना सर, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। काम क्या करता है? साफ कर देता है, साफ। वो बोले साफ
नहीं नहीं सर आपका खून साफ कर देता है, पूरा साफ ही कर देगा, तो जिएगा कैसे? सर मैंने आपको बताया ना, बेस्ट प्रोडक्ट आज मार्केट में आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, डिटॉक्स। काम क्या करता है पहले ये तो बताओ। सर हमने यूज किया, आप भी यूज करो। हमने मरा है, आप भी मरो। ऐसा करके प्रेजेंटेशन दोगे तो घंटा तो जाएगा आपके साथ। मेहनत है, बेसिस के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा डिटॉक्स में क्या है, कब लेना पड़ता है। लेट मी टेल यू, जो लोग यहां पे घर पे मेडिसिन लेते हैं, नॉर्मली अगर आप मेडिसिन लेते हो और अगर आपका खून 100% या 90% साफ ना हो, मेडिसिन 60% काम करता है। लेकिन आपका अगर खून साफ होता है और साथ में अगर मेडिसिन लेते हो, वो मेडिसिन आपके ऊपर 96% काम करता है। किसको पता है कि खून साफ रखना कितना जरूरी है? बहुत सारे घर में अभी मेडिसिन यूज होता है, राइट? हाँ, प्रेशर का मेडिसिन बताओ, हार्ट का मेडिसिन बताओ। स्टार्ट टेलिंग देम, बट यू हैव टू लर्न दिस प्रोडक्ट। मेहनत है, कान में लगा के सुनना पड़ेगा और सुन के जाके बोलना भी पड़ेगा। कुछ लोग ज्ञान ही बांटते हैं, आईने के सामने प्रैक्टिस करो, आईने के सामने घंटा, आईने के सामने प्रैक्टिस करके घंटा होगा? वो कभी आपको मना करेगा? वो बोलेगा तू जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। जाके लोगों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, मना करने दीजिए आपको, उसको बोलने दीजिए कि नहीं नहीं होगा, थोड़ा सा प्रेस्टीज पे जाएगा, थोड़ा सा ईगो हर्ट होगा। जब तक ये दोनों हर्ट नहीं होता, पैसा नहीं कमाता है कोई। जिस दिन से ये दोनों हर्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब आप बेसिक काम ठीक से कर रहे हैं, इसका मतलब आप होम मीटिंग कर रहे हो, इसके बाद लोग आपको मना कर रहे हैं, इसके बाद लोग आपके मुंह के ऊपर कुछ बोल रहे हैं। ये दोनों बेसिक काम पे आपको सुनाई देगा। सो नंबर टू, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पे, करना।